बुंदेलखंड क्षेत्र में बाढ़ आने के बाद धान का फसल बुरी तरीके से बर्बाद हुआ, जिससे किसान काफी मायूस है। तस्वीरों में देख रहे हैं कि बाढ़ आने के बाद टेरागाज प्रखंड क्षेत्र के कई पंचायत बाढ़ग्रस्त इलाके होने के कारण वहां के फसल पूरी तरह से नष्ट हो गया है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि फसल किस तरह से नष्ट हो गया है। बताते चले कि धान का फसल कटने वाला ही था कि अचानक बाढ़ आने से इलाके में किसानों की कमर तोड़ दी है। तस्वीरों में देख रहे हैं कि धान की फसल बर्बाद होने से किसान काफी मायूस है। नुकसान हुआ है खास करके धान की खेती को, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि अविलंब आकलन कर किसानों को उचित मुआवजा देने का व्यवस्था किया जाए, क्योंकि जो लास्ट में बाढ़ आया और किसानों का फसल पूरी तरह से तैयार था, अब कटने ही वाला था, लेकिन बाढ़ के वजह से पूरा फसल क्षति हो चुका है और प्रशासन, जिला प्रशासन विलम्ब इस पर ध्यान देते हुए उचित मुआवजा का व्यवस्था करें। कौन कौन पंचायत में बाढ़ का जो नुकसान हुआ है? ये भोरा जी, नवेली, उसके बाद चिलनिया, डाक पोखर और झुमकी मुसारा का भी कुछ अंश इस पे आता है। डाक पोखर है, मटियारी है, बैगना है जी। आप क्या नाम है, आपको पद क्या है? गोविंद तिवारी, युवा जी नेता। टेरागाज थाना परिसर में हर शनिवार की भांति इस शनिवार भी जनता दरबार का आयोजन किया गया। अंचल अधिकारी अजय चौधरी की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से टेरागाज थाना अध्यक्ष तरुण कुमार तरुण ने कार्यक्रम की शुरुआत की। बताते चले कि भू संबंधित समस्या को लेकर आपसी सहमति से जमीन समस्या का निपटारा किया जा रहा है जनता दरबार में। आज जनता दरबार में टेरागाज प्रखंड क्षेत्र के अलग अलग पंचायत से फरियादों ने आवेदन देकर जनता दरबार में न्याय की गुहार लगाई। सीमा क्षेत्र विकास योजना के तहत टेरागाज प्रखंड मुख्यालय स्थित थाना परिसर में हाई मास्ट लाइट लगने का कार्य हुआ शुरू। हाई मास्ट लाइट लगने से अगल बगल के इलाके में रोशनी से लोग जगमग होंगे। बताते चले कि सीमा क्षेत्र विकास योजना के तहत कई जगहों पर हाई मास्ट लाइट लगने का कार्य शुरू हो गया। इसी क्रम टेरागाज प्रखंड मुख्यालय स्थित थाना परिसर में सीमा विकास योजना के तहत हाई मास्ट लाइट लगने का कार्य हुआ शुरू। टेरागाज प्रखंड क्षेत्र के खनियाबाद पंचायत के बरिया गांव में उपस्वास्थ्य केंद्र बदहाल। तस्वीरों में देख रहे कि उपस्वास्थ्य केंद्र उचित देखरेख के अभाव में उपस्वास्थ्य केंद्र में जंगल झाड़ में तब्दील हो गया है। आज तक ग्रामीणों का उपस्वास्थ्य केंद्र में इलाज नहीं हो सका। आज भी ग्रामीण नीम हकीम झोला छाप डॉक्टर से इलाज करने में विवश है। तस्वीरों में देख रहे कि उपस्वास्थ्य किस तरह से बदहाल है। ये उपस्वास्थ्य केंद्र आपको हम दिखा रहे हैं, टेरागाज प्रखंड क्षेत्र के खनियाबाद पंचायत के बैरिया गांव का है, जहाँ उपस्वास्थ्य केंद्र बदहाल स्थिति में है। टेरागाज प्रखंड क्षेत्र के अलग अलग पंचायत में कनकई गोरिया धार में पुल नहीं रहने की वजह से पंचायत के लोगों को प्रखंड मुख्यालय, जिला मुख्यालय, हाट बाजार इत्यादि जगह के लिए जाने के लिए चचरी पुल का सहारा लेना पड़ता है। आज़ादी के कई दशक बीतने के बाद भी आज भी हाटगांव पंचायत के मरियाधार में पुल नहीं बनने की वजह से पंचायत के लोगों को प्रखंड मुख्यालय, जिला मुख्यालय, हाट बाजार इत्यादि जगह के जाने के लिए चचरी पुल से आवागमन करना पड़ता है। बरसात में लोग नाव की सवारी करने में विवश है।